पिछली क्लासों में हम इनको डिवाइस पढ़ा रहे थे, आप हमने अगर वीडियो में कल जो हमने आपको बताया तो हमने थोड़ा सा आपको पिछला रिवीजन सा करा दिया था स्टार्टिंग में। अगर आप कंटिन्यूएशन में वीडियो देख रहे होते तो हम इनपुट डिवाइस पे चल रहे थे। इनपुट डिवाइस के बारे में हमने बताया था कितने प्रकार की अपन लोग इनपुट डिवाइस यूज, उसी डिवाइस में हमने 6 डिवाइसेस आपको बता चुके हैं। 6 डिवाइस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इनके वीडियो आप यूट्यूब पे देखे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसी क्रम में हम आगे बचे हुए इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो उसमें नेक्स्ट है माइक या माइक्रोफोन। माइक एंड माइक्रो, अगला जो इनपुट डिवाइस है माइक एंड माइक्रो, इसका प्रयोग आपने सार्वजनिक तौर पर देखा। माइक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, माइक के द्वारा क्या होता है, हम अपनी आवाज के रूप में वॉइस आवाज को क्या कहते हैं, वॉइस के रूप में डेटा कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर में जो डेटा वॉइस के रूप में देते हैं उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है, ठीक है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो माइक और माइक्रो दोनों ही करीब करीब सेम है, अंतर थोड़ा सा है। माइक में जो भी डाटा इनपुट होता है वो एनालॉग फॉर्मेट में होता है, इसमें एनालॉग फॉर्मेट, जबकि माइक्रोफोन में जो डाटा इनपुट होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में ही होता है और कंप्यूटर को डिजिटली फॉर्मेट में प्राप्त होता है। लेकिन माइक में डेटा एनालॉग फॉर्मेट में इनपुट होता है और कंप्यूटर को जो उसमें डिवाइस लगी रहती है उसका काम है उसे किस में कन्वर्ट करना, डिजिटल फॉर्मेट में। तो ये होता है माइक और माइक्रोफोन, ठीक है। माइक सबने देखे है ना, नीचे आप लोग प्रेयर में भी माइक देखते भी नहीं देखते, अभी आपने देखा होगा आपकी क्लास में बगल वाली क्लास में अच्छा आपकी माइक लगा के अपना जो भी पढ़ा रहे हैं माइक लगा के पढ़ाते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी पिन लगा लेते हैं उससे आवाज क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। लेकिन कौन से फॉर्मेट एनालॉग, जिसे की प्रोसेसर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर में आवाज के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। होता है माइक एंड माइक्रो, ठीक है। अगला इनपुट डिवाइस है, अगला जो इनपुट डिवाइस है उसे उसके बारे में भी सभी को जानकारी है और इसका प्रयोग हम नॉर्मली करते रहते हैं। बैक कैमरा देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये सीपीयू के ऊपर जो रखा हुआ है ये बैक कैमरा है, सीपीयू के ऊपर जो रखा हुआ है ये क्या है, बैक कैमरा। बैक कैमरा जब हमें डेटा का इनपुट फोटोग्राफ या वीडियो के फॉर्मेट में करना हो तो हम कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, बैक कैमरा। मोबाइल में आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कि नहीं करते, उसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग होता है
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कभी किया है ना, क्या होता है हमारा पूरा लाइव सामने वाले के पास पहुंचता है और सामने वाले का पूरा लाइव हमारे पास। जैसे हम एंड कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही बढ़ रहे, यही होता है लाइव टेलीकास्ट हो जाता ना। तो बैक कैमरे में, बैक कैमरे का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, या तो कोई इमेज हमें क्लिक करनी हो तो भी हम बैक कैमरे के द्वारा हमें क्लिक कर लेते हैं, दूसरा अपना डेटा वीडियो फॉर्मेट में लाइव शूट करके भेजना है, अलग से कैमरा तो कोई लगा नहीं है, ठीक है, या तो हम पेन ड्राइव की तरह देते हैं डेटा दे, ठीक है, लेकिन अगर हमें लाइव डेटा भी अगर भेजना है वीडियो फॉर्मेट, वीडियो एंड ऑडियो, वो वीडियो एंड ऑडियो आवाज भी तो जा रही ना, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बैक कैमरा। बैक कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और इसी को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। बैक कैमरा इनपुट डिवाइस, ये शॉर्टकट में लिखा है I/B इनपुट, O/B आउटपुट। तो बैक कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी कहलाती है और आउटपुट डिवाइस कहलाती है। उसका कारण है, आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो आपकी जो वीडियो है वो सामने वाले को देख रहा है, तो आप इनपुट हुए, आप इनपुट हुए कि नहीं हुए, तो सामने वाले को देखा उतने कैसे देखा, उसके मोबाइल में अगर कैमरा नहीं हो तो वो देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा, या उसका वीडियो उसके मोबाइल के द्वारा इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसका इनपुट आपके लिए आउटपुट होता है, और बैक कैमरे की तो ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो बैक कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, और इसका प्रयोग आईडी किया जाता है ऑडियो प्लस वीडियो डेटा को क्या करने के लिए, ऑडियो प्लस वीडियो डेटा दोनों प्रकार का डेटा इनपुट भी होता है और इसके द्वारा हमें आउटपुट भी प्राप्त होता है, तो ये आपका क्या होता है बैक, ठीक है। अगली आपकी जो डिवाइस है उसे कहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजर, क्या कहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजर, नेचुरल इनपुट डिवाइस है, क्या कहते हैं उसे वॉइस रिकॉग्नाइजर, वॉइस रिकॉग्नाइजर। आजकल वो मोबाइल्स में तो एक्स्ट्रा कैमरे का फैशन आ गया, ठीक है, यूज सारे कैमरे यूज होते हैं, अब उसमें हमने कैमरे के कुछ काम भी डिवाइड कर दिए, चार चार कैमरों की बैकग्राउंड का आती है कंबाइंड पिक्चर है, लेकिन बैकग्राउंड के कलर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए तीसरे कैमरे का उपयोग करते हैं, तो एक घंटे तीन चार जो कैमरे आते हैं वो अलग अलग उसके लिए यूज होते हैं, लेकिन जो आपका फोटो शूट होता है वीडियो शूट होता है वो कंबाइंड शूट, ठीक, तो इसलिए उनकी एक तरीके से आपका क्षमता बढ़ाने का काम, ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजर, वॉइस रिकॉग्नाइजर का प्रयोग हम नॉर्मली आजकल हर जगह देख रहे हैं, हर जगह मतलब आपने कभी कस्टमर केयर पर फोन लगाया किसी भी कंपनी में, मोबाइल के कस्टमर केयर या कहीं भी कस्टमर केयर जानते हो, प्रत्येक कंपनी अपना एक हेल्पलाइन नंबर देता है, प्रत्येक कंपनी अपनी एक हेल्पलाइन नंबर देती है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप जब भी कॉल करते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं उठाता, कोई व्यक्ति कौन उठाता है, कंप्यूटराइज आवाज आती है वेलकम टू सो एंड सो, पहली लाइन यही होती है जिस कंपनी का भी है, मान लो बीपीएल का है कस्टमर वेलकम टू बीपीएल, यही पहली लाइन आती है, बीपीएल में आपका स्वागत, हिंदी इंग्लिश के लिए एक दबाए, अंग्रेजी के लिए दो दबाए, ऐसी लैंग्वेज आती कि नहीं आती, वो आवाज आवाज होती है, ऐसी होती है रिकॉर्डेड आवाज, हम लगाएंगे तब भी वही आवाज आएगी, आप लगाएंगे तब भी आएगी, और कोई भी लगाए वो वही आवाज है, तो वो जो डिवाइस है वो वॉइस रिकॉग्नाइजर, कौन सी है वॉइस रिकॉग्नाइजर, वॉइस रिकॉग्नाइजर ऐसी डिवाइस है, अब कंपनियां 24 घंटे काम करती हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में हजारों कॉल्स आते हैं उनके पास,
आते ही नहीं थे। एक बार में एक व्यक्ति मान लो कितने, मान लो एक घंटे 200 कॉल आ गए उस कंपनी पे एक ही समय पे, तो 200 व्यक्ति तो बैठा नहीं सकता, बैठा सकता है, गिने चुने व्यक्ति बैठा ले जाएंगे। तो उस दौरान में वॉइस रिकॉग्नाइजर के द्वारा आपको इंगेज रखते हैं, रखते ही नहीं आपसे दो चार मिनट तो वैसे ही बातें करते रहते हैं, इसके लिए आप ये करें, इसके लिए ये आप करें, आपको अगर ये इस टाइप की समस्या है तो आप एक दवाएं, इस टाइप की समस्या है तो दो दवाएं, ऐसा आता है। फिर आपको आपको हमारे अगर कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी है तो आप 8-9 दिन का भी होता 12 ऐसा कराते ही नहीं, फिर आप वो दवाते हैं, फिर तो उसको चलता रहता है कि हमारे कस्टमर केयर अधिकारी अभी अन्य कॉल पर व्यस्त है, जैसे ही वो फ्री होंगे आपसे संपर्क करेंगे और यही बार बार लाइन चलती है। तो वो जो डिवाइस है वॉइस रिकॉग्नाइजर कंप्यूटर डिवाइस है, कोई भी कंपनी एक साथ इतने सारे ऑपरेटर्स नहीं बैठा सकता, ठीक है। तो उन कंपनियों की हेल्प करने के लिए वॉइस रिकॉग्नाइजर एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, एक डिवाइस है जिसमें की रिकॉर्डेड वो डला रहता है और उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉल एक समय में ले सकती है, 100 कॉल ले सकते, 200 कॉल, 500 कॉल, 1000 कॉल, उतने लोगों को वो क्या करता है, इंगेज कराए रहता है अपनी उसमें। और जैसे ही कोई ऑपरेटर वहाँ पे फ्री होता है लाइव पर्सन जो उस पर्सन, तो उसे वो कॉल क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। तो ये काम है वॉइस रिकॉर्ड। तो ये आपको अपने अपनी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, ठीक है। अगर देखें तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कीबोर्ड के बारे में, इनपुट डिवाइसेस है आप नोट कर लीजिए अगर नहीं पता, कीबोर्ड के बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने दूसरी इनपुट डिवाइस आपको बताई इमेज स्कैनर बताई, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस थर्ड हमने बार कोड रीडर पढ़ा था, बार कोड रीडर। नेक्स्ट हमने बताई OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR। नेक्स्ट बताएं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अभी हमने वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा और एक और क्या बताया, वेब कैमरे के पहले क्या बताया, माइक एंड क्या बताया जल्दी बताओ, माइक एंड माइक्रो, इतनी इनपुट डिवाइस के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में आप लोग देख लीजिए, ठीक, ये आपका इनपुट डिवाइस का चैप्टर समाप्त होता है। कल जो हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में बात, ठीक है।